सो फाइनली दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे चैनल रवि चौधरी तेरी मेरी बातें और आप देख रहे तेरी मेरी बातें। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, करूंगा बड़े खुला से। भोला का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ, आज पूरा एक दिन हो चुका है और ये आईमैक्स 4D में ओपन हुआ था। आपको बता दो दोस्तों की 3D में भी जल्द ही ओपन होने वाला है। फैंस लोगों की डिमांड है कि भैया 3D में भी टिकट खिड़की घर ओपन किया जाए ताकि वो अपने टिकट को बुक कर सके और फैंस लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है भोला को देखने के लिए। 30 मार्च को भोला रिलीज हो रही है दोस्तों हमारे सिनेमा घरों में और हाइप बहुत ज्यादा बनी पड़ी है इस टाइम पे भोला की। आपको बता दूं कि SRKS ग्रुप भी जो है ट्विटर पे भोला को सपोर्ट कर रहे हैं, भोला फैंस के ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि भोला की एडवांस बुकिंग में लगभग 50,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड हो चुके हैं और 10,00,000 के आसपास का ये आंकड़ा कलेक्ट हो चुका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों भोला के 2 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, नजर ना लग जाए और आधा मैं और आधी मो, दोनों ही सॉन्ग काफी ज्यादा इमोशनल है, बॉन्डिंग है। आपको बता दूं कि 5 दुकानिया सॉन्ग आज रिलीज होने वाला है और इस गाने को गाया है कनिका कपूर ने, इरशाद कामिल के बोल है, स्वरूप खान ने भी इसे गाया हुआ है और ये आइटम सॉन्ग है दोस्तों भोला का। इसमें दीपक डोबरियाल का एक बेहतरीन अदा है और आपको बता दूं कि इस गाने को जिसने कंपोज किया है रवि बसरूर ने, इस गाने को कल टीजर आउट हुआ था और कम से कम 5,00,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं टी सीरीज के ऑफिशियल साइट पर और ये जल्द ही गाना रिलीज होने वाला है। इससे पहले दोस्तों अजय देवगन के ऑफिशियल साइट पर ट्रेलर रिलीज किया गया था और 45 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, नजर ना लग जाए पे लगभग 47 मिलियन व्यूज और आधा मैं और आधी वो पे दोस्तों लगभग 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दोस्तों ये फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है, अजय देवगन की ट्रक चल पड़ी है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग थिएटर के पास इसकी प्रमोशन चल रही है। इस साल की शुरुआत दोस्तों पठान से हुई थी लेकिन पठान ने जो काम कर दिया है वो किसी फिल्म ने अभी तक नहीं किया हुआ है। आपको बता दूं उसके बाद सेल्फी, शहजादा और जुगैटो, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और सस्ता कॉपी ऑफ KGF कब्जा भी रिलीज की गई लेकिन दोस्तों ये सारी फिल्में कहीं ना कहीं धराम से गिर चुकी है, बॉक्स ऑफिस पर झंडे नहीं गाड़ पाई। अब दोस्तों लोगों की नजरें भोला पर है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि भोला दोस्तों झंडे गाड़ देगी। भोला का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का मैंने अभी सर्वे किया था तो फैंस लोग कह रहे हैं कि भैया 1,000 करोड़ भी पार कर सकती है अगर भोला को 10 दिन दे दी जाए। भोला थर्सडे को रिलीज हो रही है, लंबा एक्सटेंडेड वीकेंड है तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड तक भोला लगभग 150 करोड़ के पार चली जाएगी। आपके क्या विचार है दोस्तों, 5 दुकानिया सॉन्ग कैसा होगा कमेंट करके हमें बताइए। टीजर तो अच्छा लग रहा है देखने में, आपके क्या विचार है लाइक करो कमेंट करो। इसी तरह अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहो यार और भोला के लिए आप कितने एक्साइटेड है कमेंट करो यार कमेंट करो। जय हिंद जय भारत।